हेलो एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज ए एंड बी ऑफ चैप्टर थर्ड. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज सी एंड डी. सो एक्सरसाइज सी इज कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स. नीचे दिए गए जोड़ों को पूरा करिए, यानी कि जो जोड़े दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है. तो इफ यदि देन तब, यदि ऐसा है तो देन मीन्स तब ऐसा होगा. फर्स्ट है फूड ईट. यदि फूड ईट यानी कि यदि भोजन को खाया जाता है, यानी भोजन को हम खाते हैं, देन तब वाटर ड्रिंक तो पानी को पीते हैं. यदि हम भोजन को खाते हैं तो पानी को क्या करेंगे, हम पियेंगे. तो ये हमारा पेयर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है वीट एनर्जी गिविंग, यानी कि जो गेहूं है वो ऊर्जा देने वाला भोजन है, वो हमें ऊर्जा देता है. तो मीट, मीट क्या देगा, बॉडी बिल्डिंग, यानी कि मीट से शरीर का विकास होता है. वीट गेहूं ऊर्जा देता है और मीट शरीर का विकास करता है. नेक्स्ट है फ्रूट्स प्लांट्स. ये पेयर बना हुआ है फ्रूट्स और प्लांट्स का. जैसे फल हमें प्लांट से मिलते हैं, फल जो होते हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं. तो सॉल्ट डस्ट डस्ट, तो सॉल्ट हमें कहाँ से मिलेगा, सी वाटर समुद्री जल से. फल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, नमक हमें समुद्री जल से प्राप्त होगा. तो समुद्री जल से हमें नमक प्राप्त होता है. हेन एग्स, मुर्गी अंडे देती है. तो काउ क्या देगी, गाय क्या देगी, मिल्क. मुर्गी अंडे देती है और गाय दूध देती है. यदि मुर्गी अंडे देती है तब गाय दूध देती है. ग्रेन्स फील्ड, फसल सॉरी अनाज खेत, यानी कि अनाज हमें खेत से प्राप्त होता है, यानी इसे खेत में उगाया जाता है और हम खेत से इसे प्राप्त करते हैं. तो फिश मछली, मछली कहाँ से मिलती है, वाटर पानी से. अनाज हमें खेत से मिलता है, यदि अनाज हमें खेत से मिलता है तब मछली पानी से मिलती है. नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज डी, राइट द नेम ऑफ एनी थ्री मिल्क बेस्ड फूड आइटम्स, यानी कि दूध से बने तीन फूड आइटम्स के नाम आपको बताने हैं जो दूध से बने होते हैं. फर्स्ट है हमारा बटर, सेकंड चीज़, थर्ड है पनीर. बटर चीज़ पनीर, तो ये दूध से बनी चीज़ें हैं. तो स्टूडेंट्स, आज आपको यही होमवर्क करना है एक्सरसाइज सी और डी. तो आप लोग चैप्टर थर्ड लिख के एक्सरसाइज सी और डी लिखेंगे. थैंक यू.